कोरिया में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की समस्या को लेकर सोहनत बाजार में धरना प्रदर्शन किया। वहीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस सरकार ने किसानों को 60% जूट के बोरा लाना अनिवार्य कर दिया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। वहीं बड़वार के किसानों का सरकारी धान खरीदी केंद्र रामगढ़ कर दिया, जिसको सोनहत धान खरीदी केंद्र में करने की मांग की गई है। किसानों की बीमा के नाम पर राशि भी काटी जा रही है, फिर भी किसानों की फसल बीमा की पावती भी नहीं दी जा रही। भारतीय जनता पार्टी ने फसल बीमा की पावती देने की मांग की है, ताकि फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति के लिए किसान पावती के आधार पर कोर्ट में क्लेम कर अपना उसका लाभ ले सके। साहब अनुविभागीय अधिकारी से ज्ञापन सौंप कर मांग किया गया है कि तत्काल जो किसानों को समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे आज किसानों को बोरा उपलब्ध नहीं कराया पा रहा है, पहले तो घरों घरों में जाकर छापामारी किया गया, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि आज किसानों को 50% बोरा लाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब बोरा किसानों के पास नहीं है तो किसान कहां से बोरा पाएगा? अगर इसी प्रकार किसानों पर परेशानी बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी और सोनहत विकास खंड के प्रत्येक किसान सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करेगा, तहसील कार्यालय का घेरावा करेगा।